तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपकमिंग T20 सीरीज के लिए BCCI की सिलेक्शन कमेटी ने टीम इंडिया का पूरा कंफर्म और फाइनल टीम स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। टीम में काफी चेंजेस और बदलाव देखने को मिली है। आगे टीम इंडिया का स्क्वाड दिखाने और बताने वाले इस पर डिस्कस भी करेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले बता दें कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका का दौरा करना है और टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका दौरे पर कुल 4 T20 मैचों की सीरीज खेलना है। अब इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच यह सीरीज 8 नवंबर 2024 से स्टार्ट हो जाएगी, जो 15 नवंबर 2024 तक की पूरी सीरीज साउथ अफ्रीका में खेली जाएगी। तो इस T20 सीरीज के लिए BCCI की सिलेक्शन कमेटी ने टीम इंडिया का 15 मेंबर्स T20 टीम स्क्वाड घोषित किया है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं टीम इंडिया का स्क्वाड इस T20 सीरीज के लिए, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। तो कुछ इस तरह से भारतीय टीम का T20 स्क्वाड। नंबर 1 पर सूर्य कुमार यादव कैप्टन, नंबर 2 अभिषेक शर्मा, नंबर 3 संजू सैमसन विकेट कीपर बैट्समैन, नंबर 4 रिंकू सिंह, नंबर 5 तिलक वर्मा, नंबर 6 रितेश शर्मा विकेट कीपर बैट्समैन, नंबर 7 हार्दिक पांड्या, नंबर 8 अक्षर पटेल, नंबर 9 रमनदीप सिंह, नंबर 10 वरुण चक्रवर्ती, नंबर 11 रवि बिश्नोई, नंबर 12 अर्शदीप सिंह, नंबर 13 विजय कुमार वेसक, नंबर 14 अवेश खान और नंबर 15 पर है यास दयाल। तो ये रहा टीम इंडिया का 15 मेंबर्स T20 स्क्वाड साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली सीरीज के लिए। अब इस T20 स्क्वाड में जैसे कि आपने देखा मयंक यादव तेज गेंदबाज, जबकि शिवम दुबे ऑलराउंडर, ज्ञान प्राग ऑलराउंडर, ये 3 खिलाड़ी इस टीम स्क्वाड में दिखाई नहीं दे रहे। तो आपको बता दें कि इन 3 खिलाड़ियों को टीम स्क्वाड में शामिल इस वजह से नहीं किया गया क्योंकि ये तीनों खिलाड़ी फिलहाल पूरी तरह से फिट नहीं है, फिलहाल इंजर्ड है। तो वही रमनदीप सिंह को पहली बार भारतीय T20 स्क्वाड में शामिल किया गया है। रमनदीप सिंह जिनका परफॉर्मेंस एमर्जिंग एशिया कप 2024 में काफी शानदार रहा था, काफी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस इससे पहले IPL 2024 में KKR के लिए भी रहा था। तो रमनदीप सिंह को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में नीतीश कुमार रेड्डी, जबकि हर्षित राणा तेज गेंदबाज, इन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया है, जबकि टीम में विजय कुमार वेसक और यास दयाल को टीम में शामिल किया गया है, जबकि अवेश खान की भी भारतीय टीम में वापसी हुई है। अब सरप्राइजिंग अक्षर पटेल को भी टीम में शामिल किया गया और ये BCCI का कहीं ना कहीं अच्छा फैसला है। अक्षर पटेल सिर्फ टेस्ट के प्लेयर नहीं बल्कि T20 ODI के लिए भी बने। तो वही कुलदीप यादव को टीम में शामिल नहीं किया गया क्योंकि वो फिलहाल पूरी तरह से फिट नहीं है। तो वही शुभमन गिल, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ियों को इस सीरीज के लिए रेस्ट यानी कि आराम दिया गया है। तो वही इस बार भी हैरान करने वाला फैसला नहीं रहा BCCI का कि टीम में ना ही ऋतुराज गायकवाड़ को शामिल किया है ना ही ईशान किशन को, जिनका परफॉर्मेंस लगातार काफी शानदार रहा डोमेस्टिक क्रिकेट में। तो आपको अनुसार क्या ये भारतीय टीम साउथ अफ्रीका में जाकर साउथ अफ्रीका को हरा पाएगी या फिर नहीं, ये टीम स्क्वाड कितना स्ट्रांग है या फिर कितना कमजोर है, किस प्लेयर को मौका मिलना चाहिए किस प्लेयर को नहीं, कमेंट बॉक्स आपके लिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय विचार जरूर दीजिए। और अगर आप डेली IPL और क्रिकेट से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं यूट्यूब से भी पहले, तो भी फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, वहां पर हर एक अपडेट सबसे पहले दी जाती है।